लागे हुए किचन में चाय बनाने, सुबह का चाय नहीं तो दिमाग खराब हो जाती है। मतलब मांस मिला खाली, खाना खा के मांस मिला, ये इसका कान खाली। इन लोगों का सुबह नाश्ता क्या हो गया? ग्रेप्स और कल का केक मजे से खाएगी, सबको ही पसंद है केक। अर्जुनिक देखो पहले मांस मेरे ले लिया, मेरा कल का देखो कितना अच्छा मेकअप किया, दिखाओ दिखाओ डाइपर वाला बेबी बॉडी देखो एकदम कितना अच्छा लिपस्टिक पहना बाबू। ए बिस्टी का 3 मंथ जब था ना तब का फोटो है, ये छोटी थी बेबी थी। सब ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? अच्छा लगा था इसमें खींचा था ब्लैक एंड व्हाइट कर। अच्छा इसका ये टूट गया पता, फ्रेम भी नहीं बदला। अरे ये तो नहीं हो रही है, बेडशीट चेंज करना है। तो बिस्टी कहाँ गई? बिस्टी ये हम लोगों का स्टोर रूम के साथ बेडरूम मतलब सोने का, इधर ये दो बेड एक साथ जुड़ा हुआ है पता, और कुछ चाहिए? थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए नीचे कुछ मतलब लकड़ी का दिया था वो हट गई तो बिस्टी उधर घुस गई जाके। ये दुबली पतली होने का फायदा, ये ऑफिस का देखो बिस्टी का हैंडराइटिंग खुद ही खुद सिग्नेचर कर देते हैं नीचे। नहीं वो पहले का है, जिनू का पढ़ाई काम होती है, खाना और खेलना ज्यादा होती है। ए, रोस्टेड किया मखाना और मूंगफली को बस। हाँ मामा मुझे मेरा मैं बोली कभी भी मतलब थोड़ा बहुत मिक्स करके खाना पोहा के साथ अच्छा लगता है, भुना हुआ जो पोहा होता है। नहीं अभी अभी चाहिए तब से उसका मोजा रही है। अरे यार खाया मैं करती हूँ ना बहुत मतलब बिना ऑयल का इतना अच्छा हो जाता है ना, ऐसे तो ऑयल कितना मतलब खाना पड़ता है। हाँ उधर वो देने आई है जिनु को पूजा, कल जो केक बनाया था ना सुबह का था उसको चुप देख लिया। देखो यार इतना बच्चा है जो खत्म, मतलब एक दिन का क्या एक दिन में खत्म, जो सोचे कि बना के रख दो भूले नहीं है। कढ़ाई गरम होने के बाद रिफाइन ऑयल दे दिया, थोड़ा सा जीरा नहीं भी दे सकते, दे देंगी चुकंदर बिरू इसको भून लेंगे, थोड़ा सा नमक क्योंकि इसमें ऑलरेडी मीठा होता है इसलिए शक्कर नहीं दूंगी, थोड़ा सा नहीं मतलब जितना चाहिए उतना। इसमें गाजर भी मिला सकते घिस के, थोड़ा सा गरम मसाला, कोई भी गरम मसाला, शाही गरम मसाला, पंजाबी गरम मसाला, नॉर्मल जो घर का वो भी कोई भी डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा ऑलरेडी लाल है वो लाल करने की जरूरत है। हो गया, ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है हाथ से, और नहीं तो वो घीस के भी पनीर को चुम्बा कर लीजिए। ये अभी ज्यादा हिलाने की भी जरूरत नहीं है, कसूरी मेथी थोड़ा सा एक साथ मिला देंगे बस, कर देते इसको ठंडा होने के देते हैं, फिर
बाकी काम जाम बाद में। आटा ऐसे ही नॉर्मली गूंद लिया, मैदा भी मिला सकते हैं थोड़ा सा, मतलब एक पार्सल मैदा, तीन भाग आटा, वो भी अच्छा होता है। मैं आटा ही लिया, चुप कर ऐसे ही थोड़ा बहुत बेल लीजिए, फिर उसके अंदर जो फिलिंग बनाया दे दीजिए। ऐसे मोड़ के अच्छे से आटा लगाए, नहीं तो फट जाएगी। हल्के हाथों से निकल जाने से भी कुछ नहीं होता है, मतलब अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा जला हुआ मतलब होता है, तब खाने में भी टेस्टी ही होती है। भर दीजिए ठूस ठूस के, क्योंकि अंदर पेट ज्यादा नहीं होगा तो खाने में पराठा मजा नहीं आता है। फिर घी देके, पराठा घी नहीं अच्छा है, वो खाना है तो खाओ, नहीं तो रिफाइन ऑयल में कुछ फायदा नहीं। अरे रिफाइन ऑयल में ना खाना अच्छा है, ऐसे दीजिए होती है। ये जल जाता है ना, वो खाने में ज्यादा टेस्टी होती है। जलाना है तो विस्टी के दे दो बनाना, वो ऐसे ही जला देगी। जल गया, तेज हो गया। ये मैं खाऊंगी, मुझे खाना है, किसी को भी दे दो। अच्छा खुशबू आ रही है, निकल गए ज्यादा। रोटी होता है ना, गैस का हालत बहुत बुरा आती है, आटा 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 हो जाती है। गैस के खत्म हो गई थी, मैं डर गई, मेरे खत्म हो गया। ये पराठा बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत दिन बाद बनाई। पहले ना ये मतलब बीटरूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बृष्टि की तरह अभी भी नहीं पसंद। बृष्टि को पसंद नहीं है, कहो बृष्टि के वेजिटेबल चॉप जब बना दूंगी, कटलेट जब बना दूंगी खा लेती है। उस में पता नहीं, तो सोचने में थोड़ा सा टाइम लगे, सोचना पड़ेगा। ये फूलगोभी का पराठा है, मैं नहीं दिखाया क्योंकि उस दिन दिखाया था, इसलिए फूलगोभी का मसाला नहीं दिखाया। ए? क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। उस दिन बनाया था ना, फिर हाँ? आज दोबारा एक ही चीज दिखाऊंगी क्यों? अच्छा, इसीलिए पूरा नहीं दिखा। बैटरी कम हो गई, पहले ऐड आता था ना ऐसे ऐसे पापड़, ऐसे ही होता था गोल गोल, जब टीवी देखता था। मजा आता था, हम लोग जब टीवी देखने और रैबिट देखने में मजा आता था, पापड़ देखने में नहीं, और रैबिट को मजा आता था ऐसे। अच्छा हुआ मेरी आवाज बिल्ली जैसी बोली है। अच्छा, मुझे रोटी बनाना पसंद है, देखो पूरा आटा हो जाती है, इसलिए चावल खाना भी पसंद है, इसलिए बनाना भी पसंद है।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सबका चाय, रोटी और पम्पकिन आलू का सब्जी और पक्का पपीता। ये देखो खिलौना अभी इधर इधर भाग रही है बच्चे का। कल रात को फिर पराठा वगैरह बनाया, फिर तभी इतना खराब लगी है, मैं वीडियो उधर ही छोड़ दिया और बाकी आगे किया ही नहीं। फिर सुबह उठ के भी उस खाना बनाने के बाद फिर से लेट गई। इतना मतलब थकान हो रहा था ना, इतना ज्यादा। तो बच्चे अभी तक सो रही है, मैं बोले मैं नाश्ता कर लूँ, आज लेट नहीं करूंगी। तो मेरे तरफ से नाश्ता। ब्लैक कलर का टेबल ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, है? इतना धूप दिखती है ना, माना बच्ची ना धूल तो सब में होती है, मतलब ब्लैक कलर में ज्यादा दिखती है। मुझे ब्लैक कलर टेबल कभी नहीं देना का है, नहीं एक्चुअली तो है ऑफिस का। मामा गिरो उधर, फोड़ जाओ नामो नमो। पास्ता बॉईल हो रही है, हाँ शाम का हल्का फुल्का खाना। पास्ता में लूंगी ऐसे चिकन स्टॉक आता है, मैं अमेजोन से लिया था, तो एक पैकेट में दो ऐसे क्यूब रहती है, तो मैं एक क्यूब डाल दूंगी। इसमें ऑलरेडी नमक वगैरह सब कुछ है। पता नहीं जो नॉन वेज मतलब वेज नॉन वेज खाते नहीं हो उनको ऐसे कुछ ये नहीं लगता है, चिकन का स्मेल वगैरह कुछ नहीं लगते। अरे कभी डॉक्टर ने बोले होंगे, फिर मतलब खाना पड़ता है ना कभी कभी, मतलब चिकन फिर खा नहीं पाते हो, तो ये बहुत अच्छा चीज है, ट्राई कर सकते हो। इसमें दे दिया बॉईल होने, एक साथ बॉईल होने दीजिए। कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड तेल दे के डायरेक्ट बटर में भी कर सकते हो, क्योंकि बटर जल जाता है जल्दी, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर भी जल गया। फिर अभी दे दूंगी बारीक काटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा जिंजर, अदरक लहसुन थोड़ा सा, मतलब गार्लिक ज्यादा जिंजर थोड़ा सा अभी ऑप्शन नहीं भी दे सकते। फिर दे दूंगी मशरूम, थोड़ा सा भून लेंगे इसको। फिर दे देंगे बीन्स, छोटा छोटा भी काट सकते हैं, मैं लंबाई काटती हूँ। ये रात जो डाइट करना चाहते हो, रात का भी खाना भी बहुत अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा शाम को काम के लिए बनाया, रात का भी इसके साथ थोड़ा दो एक एक दो बटर टोस्ट कर लो, ब्रेड सॉरी बटर टोस्ट कर लो, ब्रेड टोस्ट कर लो और एक कटोरी भर के खा लो बस। मतलब बेसी ज्यादा भून गया मैं। फिर गाजर दे देंगे, अभी तक मैं नमक नहीं दिया, और स्वीट कॉर्न भी दे दूंगी। उसमें अच्छा खासा नमक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ही दूंगी, नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगी। और थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, वो भी अंदाजा से जैसे जो तीखा है तो बाद में भी मिला सकते हैं, हो गया इसको, क्योंकि सब्जी नहीं बनाना है। फिर पनीर, फिर भी ऑलरेडी मेरा ये ज्यादा भून लिया, मैं दूसरे काम पे निकल गई, पनीर डाल दूंगी बस हो गया। थोड़ा सा हिला क्योंकि फिर सब्जी बन जाएगी। अभी ये जो पास्ता बॉईल करके रखा था ना, बस
मैं थोड़ा सा पानी दूंगी, किसी को नहीं चाहिए तो मत दीजिए, क्योंकि सूप है, स्टू है तो देना ही पड़ेगा, वो भी गर्म पानी। फिर मैं गर्म पानी ऐड करूंगी। किसी का मतलब बहुत जने है जो चिकन स्टोव पसंद नहीं करेंगे वो वाला, तो वो बिना देके भी बना सकते हैं, बहुत बुरा नहीं लगेगी। थोड़ा सा और लहसुन और गार्लिक, सॉरी जिंजर और गार्लिक ज्यादा दे दीजिए। फिर बॉयल आने के बाद कर लूंगी, कर लूंगी, बहुत टेस्टी होती, बहुत। चल आजा रेडी। कैंडी, अरे अरे अरे, देखो देखो हाथ धोने का जगह, देखो मैं फूल रखने का जगह में वो हाथ धो रही है। आजा उठो उठो उठो, वो कैंडी नीचे खा रही है, उसके ना कुर्सी में होती नहीं है ना, इसलिए उसको कुर्सी पसंद नहीं है। सेम सेम वो नीचे गिरा, मतलब गिराती है फिर भी, मतलब सही है ना, वो ऐसे ही करके सीखेगी, नहीं तो आगे जाके सीखेगी ही नहीं। बहुत देखा मैं जो बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ते है ना, बहुत बड़े होने तक भी खिलाना पड़ता है ना कैंडी। हाँ खा लो आराम से, भी खा लिए, नीचे ही दे दिया इसने, सोफे पे बैठे नहीं और डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठे। लो कितना सारा दिया, खा लिया कैंडी ने, साफ कर दी। देखो इससे बड़े हो गया स्पून, फिर भी सही है। मुझे मशरूम नहीं पसंद। देखो मुझे मशरूम नहीं पसंद। कैंडी को सब कुछ पसंद है, सब कुछ खा रही हो, पनीर खा लिया, मशरूम, बीन्स, जो जो डाला तो सब कुछ खाया हो।